हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा दिया गया क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4-1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दिया गया कलन जो भी है हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4-1 dx। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोस की आपकी जानकारी मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हमने क्या किया कि 1/2 का भाग दे दिया और 2 का गुणा कर दिया, यानी कि यहाँ से 2 2 से कट गए वापस, वो की वो स्थिति बन जाएगी। एक्स टू दी पावर 4-1 है, इसके हम सरसमी का लगेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं ना। तो एक्स टू द पावर स्क्वायर है, इसको ए मानेंगे उसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि क्या कर देंगे, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वन कर देंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे, है ना। तो अपॉन डी एक्स, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर एक बार माइनस वन, यानी एक बार घटा देते, वन को एक बार जोड़ देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक से एक कट जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर वापस हो जाएगा। और इस प्रकार हम कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, है ना। तो 1/2 यहाँ से देखिए, इससे ये कट जाएगा तो 1/(x^2+1) बच जाएगा, प्लस यहाँ से ये कट जाएगा तो इधर रह जाएगा 1/(x^2-1)। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ से देखिए, यदि हम ये माइनस लाए तो इसको हम इस पर लिख सकते हैं 1/2 tan inverse x + c। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही न्यू रिलेटेड वीडियोज इंटीग्रेशन, एडवांस कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैकेनिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बीएससी रिलेटेड या 11th 12th जेई रिलेटेड मैथमेटिक्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।